कैप्टन खिमाराम चौधरी उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद इकाई बाड़मेर है। आज हम लोग ये ज्ञापन देने के लिए जिलाधीश महोदय के सामने पेश हुए हैं। ऐसा है कि आपको हमको सभी को विदित है 20 फरवरी 2023 से पूरे भारत की अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक है जो हमारी ORP 2 की जो विस्तृतियाँ हैं, वन रैंक वन पेंशन की जो विस्तृतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हम जंतर मंतर पर धरने पे हैं, लेकिन भारत सरकार इसकी तरफ बिल्कुल देख नहीं रही है। ये जो घटना है ये भारत सरकार के लिए बहुत ही ठीक नहीं है, क्योंकि 28 लाख सैनिक है और आज का जो बड़ा प्रोग्राम है 30 मई 2023 का, आज पूरे भारत में ढाणी से लेकर के गांव से लेकर के तहसील से लेकर के जिले से लेकर के हर जगह ज्ञापन दिया जाएगा जो हमारी फौजियों की विस्तृति है उसके बारे में। आपको पता है भारत बहुत लंबा चौड़ा है, चाहे नागालैंड हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, घर घर ये संदेश जाएगा और फौजियों की तरफ से आज ज्ञापन दिया जाएगा। हमारी सरकार से ये विनती है कि हमारी जो जायज मांगे हैं उस जायज मांगों को आप निपटाओ, उस जायज मांगों का निपटारा करो। हमारी जायज मांगे हैं, नहीं तो ये आक्रोश आगे बढ़ता बढ़ता बहुत आगे जाएगा और ये मोदी सरकार के लिए शुभ चिंतक नहीं है। इसलिए हमारा सभी फौजियों का निवेदन है, हम देशभक्त हैं, हम देश रक्षक हैं, हमारा डिसिप्लिन में है, लेकिन हमारी आप ये परीक्षा मत लो कि हमको मजबूर मत करो किसी के कोई काम करने के लिए। इसलिए हमारे निवेदन है, हमारी जायज मांगे हैं उस मांगों को पूरी करो। और आज हमारे बाड़मेर जिले के अंदर हर तहसील से ज्ञापन दिया जाएगा, चाहे कल्याणपुर हो, चाहे ये गढ़ा रोड हो, चाहे गुड़ा मालानी हो, चाहे शिव हो, चाहे गिराब हो, हर जगह से हमारे सैनिकों की टोली गई है और हर जगह से ज्ञापन दिया जाएगा। और हम पुनः निवेदन करते हैं कि हमारी वाजिब मांगों को आप निपटारा करो, उसका सुलझारा करो, यही हमारा निवेदन है।